नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। शहर शहर बिजली का कहर, यानी कि बिजली का जिस तरीके से कटौती हो रही है बिजली की, उससे गर्मी और बिजली कटौती से आम जनता परेशान। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है और इन क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा जो है वो भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के चुरू और हरियाणा के सिरसा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में पारा इस मौसम के सामान्य से 9 डिग्री ऊपर पहुंच गया। यूपी में इन दिनों भीषण गर्मी और लू से जनता बेहाल हो चुकी है और साथ ही प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या ने जनता को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी लखनऊ का अगर जिक्र किया जाए तो लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली कटौती से तंग आकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली विभाग और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। रायबरेली में भीषण गर्मी के चलते बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिला। डीएम ऑफिस के बाहर व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। बुलंदशहर में भी बढ़ती गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और बचाव के लिए सड़कों पर फॉग मशीन उतारी गई। नगर पालिका बुलंदशहर ने फॉग मशीन से सड़कों पर पानी की बौछार कराई। फॉग मशीन से पानी की बौछारों से बच्चे गर्मी दूर करते हुए नजर आए और इस दौरान उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है, जहां भीषण गर्मी की चपेट में बिजली कटौती लोगों की चीख निकाल रही है और उग्र प्रदर्शन को मजबूर कर रही है। सोचिए जरा क्या हाल है। तापमान 50 के पार पहुंच गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िले जो हैं गर्मी की मार झेल रहे हैं और इसके बावजूद भी जिस तरीके से बिजली कटौती की जा रही है उससे भी बड़े पैमाने पर नाराजगी देखने को मिल रही है। यूपी पावर कॉरपोरेशन के तकनीकी निदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर साल बिजली का जो लोड है वो बढ़ता है और इस साल लोड लगभग 50% बढ़ा है। चुनाव की वजह से इसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। इस बार तो वजह मिल गई, लेकिन हर बार अगर देखा जाए तो हाल यही नजर आता है। चोरी करने वाले जो हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं। सबसे ज्यादा समस्या वहीं से सामने आ रही है जहां पर चोरी ज्यादा होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। लोड बढ़ता है 10% 12% लोड बढ़ता है। इस साल लोड बढ़ा है मोर देन 50%। अब वो जो भी तैयारी किया उन्होंने, तैयारी काफी की थी हमने, लेकिन हाँ वो तैयारियां सही हो भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी क्यों लिखी है कि चुनाव की वजह से कह लीजिए जो भी कह लीजिए गर्मी काफ़ी बढ़ी तो है ही अपने आप में। पहले गर्मी आती थी मुश्किल से, मई महीने पड़ती थी गर्मी 45 डिग्री, आज 50 का आंकड़ा पूरा पार कर चुकी है गर्मी। चोरी करने वालों के हौसले बढ़ गए हैं। मैक्सिमम समस्या वहीं पे आ रही हैं जहां चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको मैं एग्जाम्पल दूँगा कि देखिए पिछले साल अप्रैल में, इस साल अप्रैल में हमारा लोड था 1439 मेगावाट गया था, मई में लोड गया है 1819 मेगावाट। तो एक महीने में लोड बढ़ गया हमारा 400 मेगावाट एक महीने में देखने पर। हम हर साल जो है जो हम मैक्सिमम सप्लाई का रिकॉर्ड है हम तोड़ रहे हैं अपना आपूर्ति करने का पूरे यूपी में प्रदेश में। इस साल हम लोगों का 2856 मेगावाट लोड गया था, पिछले साल 27 से कुछ लोड लोड गया था हम लोगों के यहाँ। हम लगातार हर बाधा पार कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कंज्यूमर को, लेकिन जहाँ पे लोड बड़ा चोरी की वजह से हम सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं हम कितना लोड बढ़ाएं वहाँ पे, क्योंकि एक लिमिट है हर जगह पे। हम भी जानते हैं कि सभी घर में सामान आ रहे हैं नए नए बिजली के, जहाँ कूलर था वहाँ भी एसी आ गए हैं और गर्मी चूंकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो लोग अच्छे उपकरणों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि सबको गर्मी से निजात मिल जाए तो एसी लगा रहे हैं लोग। क्योंकि हमारी भी एक दिक्कत ये है कि बिजली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें कुछ भी काम करने के लिए हमें अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब शासन से या जो ऐसा मिलता है हम लोग को हम वही प्लानिंग करते हैं। इस साल मध्यांचल का जो बजट था 250 रुपये पहले मिल गया था, मार्च में मिल गया था 250 करोड़ रुपया और 1219 करोड़ चेयरमैन साहब ने दिया, नए चेयरमैन साहब ने दिया हम लोग को, जिस कारण नए बिजनेस प्लान में 18,000 काम उन्होंने प्रपोज किए थे, 18 काम में लगभग 14 काम हो चुके हैं हमारे। तो बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। हमीरपुर में भी भीषण गर्मी का कहर, इंसान और जानवर
को परेशान करके रख दिया है। जिस तरीके से गर्मी चरम पर है और अब ट्रांसफार्मर को भी ठंडा करने की जरूरत पड़ गई है। विद्युत विभाग प्रशासन ने ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव किया, कूलर लगाने का भी काम शुरू कर दिया है और हमीरपुर में इस समय भीषण गर्मी सहित लू का प्रकोप चरम पर है। 48 तक यहाँ का तापमान जो है वो पहुंच चुका है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जानवर से लेकर परिंदे तक जहां तहां दुबके नजर आते हैं और ऐसे वक्त में बिजली भी लगातार दगा दे रही है। फ्रिक्वेंसी जो है डाउन होने की वजह से बिजली बार बार ट्रिप कर रही है और लोगों को लगातार बिजली उपलब्ध हो सके इसलिए विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने की कवायद भी शुरू कर दी है। यहाँ ट्रांसफार्मर पर पानी का छिड़काव करके उन्हें ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भीषण गर्मी में जब 47 के पार पारा पहुँचता है तो किस तरीके से जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो फूक जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है। इस तरीके की तमाम घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। साथ ही बोरों को गीला कर ट्रांसफार्मर्स पर लपेटा जा रहा है ताकि ये जो घटनाक्रम है ना दोहराए। कुछ जगहों पर कूलर लगा दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने की कोशिश लगातार जारी है। बेसिकली ट्रांसफार्मर कूलर है ना, ट्रांसफार्मर जब भी कोई चलता है उसमें ऑयल होता है, ऑयल उसको सर्कुलेट करके ठंडा करता है, क्योंकि वर्तमान में गर्मी विषम है एवं हमारी जो डिमांड है हमीरपुर की वो 40% हो गई। जितना नॉर्मल लोड होता था उससे हम 40% अधिक क्षमता पे हमारे साथ बहुत चल रहा है, इसलिए ट्रांसफार्मर कूलर लगाए गए ताकि इनका तेल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। ठंडा रहने से इनकी इफिशेंसी बढ़ती है, गर्म होने पर उसकी इफिशेंसी ट्रांसफार्मर कम हो जाती है, इससे कभी भी हम विद्युत आपूर्ति में बाधित हो सकते हैं। इसलिए हमने जिले में जितने भी हमारे कस्बों के ट्रांसफार्मर हैं उन सब पे लगाए, एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोड चल रहा है उसमें हमने ट्रांसफार्मर लगाया ताकि वो ठंडे रह सके और अच्छे से काम कर सके। तो यूपी के कई जिले प्रभावित हैं भीषण गर्मी से और बिजली कटौती से। कानपुर में भी सुबह से ही प्रचंड गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। शहर की जिन जिन सड़कों पर बहुत भीड़ नजर आती थी उन सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और रोड पर इक्का दुक्का लोग आपको नजर आएंगे। आज दोपहर करीब 3 बजे अधिकतम जो पारा था वो 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऑफिस या दोपहर में अन्य कामों को करने के लिए लोग कारों का ही इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लखनऊ की ओर अगर मेरठ का जिक्र करें तो यहाँ पर अब पंखे और जो कानपुर में भी पंखे लगाकर ट्रांसफार्मर ठंडे किए जा रहे हैं ताकि ये ट्रांसफार्मर फूके नहीं, जले नहीं। शहर का जो अधिकतम तापमान है लगातार दूसरे दिन भी 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सुबह करीब 7 बजे से निकल रही धूप शाम 5 से 6 बजे तक अपना असर दिखा रही है और शहर का जो अधिकतम तापमान है वो लगातार दूसरे दिन भी 47 डिग्री के पार हो चुका है। सुबह 7 बजे से निकल रही धूप और शाम तक यानी कि 6:30 साढ़े 6 बजे तक जो है तापमान बिल्कुल गर्म नजर आता है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार अभी इस सप्ताह गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। 4 जून के बाद रेमल चक्रवात की वजह से बादल जरूर आ सकते हैं लेकिन इससे उमस भरी गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। भीषण गर्मी से आम जनमानस तो परेशान ही है, साथ में लोग जीव जंतु भी परेशान हो रहे हैं और ऊपर से बिजली अघोषित भी अपना कार्य जारी कर रही है। हमारे साथ कुछ जनता भी, हम उनसे बात कर लेते हैं किस तरह से जो अघोषित बिजली कटौती कर रही हैं। तो पहले तो उनका हमसे पूछे नाम बोलेंगे और सबसे पहले तो केंद्र में आपका बहुत बहुत शुक्र जी। मेरा नाम बॉबी है और मैं इस वक्त जितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बत्ती की है, बिजली की वो कंडीशन है कि हम लोग जो आदमी हैं वो तो फिर भी कुछ कहीं पे निकल के घर पे कुछ शर्ट उतार के आदमी मैनेज कर ले रहा, मगर जो घर की महिलाएं हैं जो 8-8 घंटे बत्ती कटौती हो रही है और जो घर के छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत है बत्ती की। ट्रांसफार्मरों की वो प्रॉब्लम है कि ना तो कोई भी जेई ना को SDO ना ही ACN ये सुनने को नहीं तैयार हैं और जब उनको कंप्लेन करो कि सर इस तरह की हमारे यहाँ 4 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही है तो कहते हैं लाइन लॉस हो रहा है उन एरियो में। बिजली की जो आप मिसोली का जो खेल खेल रही है उस पर आपका क्या कहना है, किस तरह से आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? भैया बिजली का मसला ये है कि रात में कभी 1 बजे रात में कभी लाइन काट देते हैं तो 2 घंटा चली जाती है, कभी दिन में काट देते हैं। लोग इतना परेशान है बिजली को लेके और बिजली विभाग के अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो मेंटेनेंस जो ट्रांसफार्मर का होना चाहिए वो मेंटेनेंस दे नहीं पा रहे हैं
और बिल्कुल ओवरलोडिंग पे उसको चल जाएगा। बारिश के पार हो चुका है तो किस तरह से ये बताइए जीवन यापन कर रहे हैं आप? अरे भैया क्या हुआ, लाइट की वजह से रात में सो नहीं पाते, सुबह नींद पूरी नहीं होती, काम पे दिल नहीं लगता, काम कर नहीं पा रहे हैं लाइट की वजह से। अब रात में जाओ गर्मी की वजह लाइट चली जाती है, दो बजे लाइट जाती है और पता नहीं एक घंटा दो घंटे बाद आती है, उसके बाद नींद पूरी होती नहीं है, सुबह काम पे जाओ फिर शाम को भी लाइट नहीं आ रही है, जिंदगी दूभर हो चुकी है भाई। ये है जनता ने आप बताया कि अघोषित बिजली की कटौती होने के कारण तो परेशान है, साथ में जीव जंतु भी परेशान है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया, कानपुर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को निर्देश दिया कि शहर में भीषण गर्मी के मद्देनजर निर्माण स्थलों पर काम करने वाले जो मजदूरों को है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का सवेतन अवकाश दिया जाएगा और कई इलाकों में तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। एलजी के निर्देश पर डीडीए ने 20 मई से ही मजदूरों के लिए 3 घंटे का अवकाश लागू कर दिया है। तो दरअसल ये अवकाश इसलिए निर्देशित किया गया है इसके लिए क्योंकि प्रचंड गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में जो ये टाइम होता है 12 से 3 का ये ज़्यादा गर्मी भरा होता है और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तेज़ होती हैं और ऐसे में इसी को देखते हुए फिलहाल ये अवकाश के लिए निर्देशित किया गया है। अंबाला में भी इन दिनों आग उगलती गर्मी के चलते तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। बाजार सूने पड़े हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि गर्मी से बचाव के लिए लोग घरों में नजर आ रहे हैं, दफ्तरों और दुकानों में पूरा दिन पंखे और कूलर और एसी चलाते हुए नजर आते हैं किसी तरीके से गर्मी से राहत मिल सके। और हालांकि बिजली की खपत भी इसी वजह से ज़्यादा बताई जा रही है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अंबाला में बिजली खपत इन दिनों पिछले साल के मुकाबले 40% ज़्यादा है और हर रोज बिजली की खपत 95 लाख यूनिट पार कर रही है। देखिए सप्लाई की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है, अभी तक कोई इस तरह से कोई गाइडलाइन नहीं है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलने की भी पावर कट लगा लें। अगर कोई लोकल लेवल पे कोई कट लग रहा है ब्रेकडाउन की वजह से हो सकता है, जैसे रात कोई प्रॉब्लम आई है, कोई पेड़ गिर गए थे, पेड़ के गिरने से रात प्रॉब्लम आई है कुछ एरिया जगाधरी गेट के और सुल्तानपुर एरिया में, अदरवाइज ऐसा कोई भी अंबाला सिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सब कंफर्टेबल चल रहा है और सारा सप्लाई पोजीशन अंडर कंट्रोल है। तकरीबन हमारी अगर पिछले साल के कंपैरिजन में करूँ तो 45% कंजप्शन बढ़ गई है। गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे है और बहुत अर्ली है, तो इसकी वजह से हमारी डिमांड है वो तकरीबन 45% ज़्यादा बढ़ गई है। 1.5 लाख अभी हमारा 90 लाख यूनिट डेली कंजप्शन हो रहा है। तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर हीट वेव को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। क्या करें, गर्मी से किस तरह से बचा जा सकता है? तो गर्मी से तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझदार हैं, उनको तो हम यही कह सकते हैं कि बाहर धूप में ना निकलें, कोशिश करें कि अगर बहुत जरूरी है तो जाएं तो छाता या टोपी कुछ लगा के जाएं और बहुत थोड़ी देर के लिए जाएं और बाकी समय घर या ऑफिस या स्कूल जहाँ भी हैं अंदर रहें, पानी ठीक से पिएं और जो दूसरी चीज़ें जैसे आम पन्ना शिकंजी और जो और जो लिक्विड पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, सॉल्ट इंटेक ठीक रखें। बाकी जो जहाँ तक बात है लेबरर्स की, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए तो जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ पे वो काम करते हैं उनको
उनके लिए पूरा जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि वो गर्म कंडीशन में काम ना करें। अगर कहीं पे फैक्ट्री है जिसमें प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, टीन का शेड है, तो ऐसी जगह उनसे काम ना करें। उनको या तो कोई कूलिंग की व्यवस्था करें, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। तो भीषण गर्मी का प्रकोप इस कदर, और आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर को भी सुन पा रहे थे जिन्होंने हिदायत दी कि क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक तो गर्मी चरम पर, दूसरी ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर गर्म ज्यादा हो, यानी कि कुछ ऐसी फैक्ट्रियां, और जाहिर सी बात है भीषण गर्मी के साथ साथ अब आम जनता इस बात से परेशान है कि रिकॉर्ड तोड़ जो कटौती हो रही है, बिजली कटौती से आहत है आम जनता, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जो थोड़ी राहत का सहारा होता है वो कूलर पंखे होते हैं, और ऐसे में वो भी नसीब नहीं तो सोचिए ज़रा क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी परेशान हैं इस बिजली कटौती और भीषण गर्मी से। हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जो जहां का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और बिजली कटौती इतनी चरम पर है कि लोग बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं और सरकार को भी कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा उन तमाम मंचों से कि जो ऊर्जा मंत्री हैं कि शर्मा जी, वो किस तरीके से गदगद होते हैं और अपने ही पेट थपथपाते हैं इस बात को लेकर कि भाई जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी तरीके से पूरी की जा रही है, और अब चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इसलिए खपत बढ़ गई है और इसलिए आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इस बात को लेकर भी वो एक्स में पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या इस स्थिति का आकलन पहले से नहीं किया गया और क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये दो महीने की जो गर्मी होती है वो चरम पर होती है और हर साल ऐसी स्थितियां बनती हैं कि इस महीने में यानी कि मई जून के महीने में जो खपत है वो बढ़ती है और ऐसे में आपूर्ति का ना हो पाना, क्योंकि ये दावे भी किए जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि वो तमाम स्रोत लगाए गए, नए बिजली घर बनाए गए, तो फिर आखिर ये आपूर्ति क्यों नहीं पूरी हो पा रही है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं कानपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, मेरठ, बलिया से, यहाँ का हाल जानते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कानपुर से, सारिका गुप्ता कानपुर से संवाददाता हैं, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हैं, और मोहम्मद नज़र मुरादाबाद से संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं सारिका गुप्ता, अगर देखा जाए कानपुर में फिलहाल क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ आप जनता इस बात से परेशान है कि भाई बिजली कटौती जो है वो चरम पर है। करी जाए तो यहाँ का जो तापमान है वो भी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इस तरीके की आग बरस रही है कि लोग जो है घरों में रहने को मजबूर है, जिनको मजबूरी में घरों से बाहर निकलना पड़ता है वो अपने आप को पानी की बॉटल, अपने आप को अंगोछे से या फिर अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके ही बाहर निकलते हैं। कोई भी अगर दो मिनट के लिए घर से बाहर निकलता है तो पसीने से लथपथ हो जाता है, पूरी तरीके से भीग जाता है। इस तरीके की भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, काफी गर्मी हो रही है और गर्मी में लोगों को ना सिर्फ गर्मी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि जो हॉस्पिटल है वो विभिन्न बीमारियों के चलते जो है फुल हो चुके हैं। लोगों को डायरिया, ज्वाइंटिस, पेचिस, हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां जो है उनसे ग्रसित हो रहे हैं, और यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बातचीत बिजली विभाग की करी जाए तो बिजली विभाग भी कानपुर शहर में लगभग 750 MW बिजली की खपत है और इसको पूरा करने के लिए कैस्को अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। हालांकि कानपुर के जो ट्रांसफार्मर हैं उनको में एडजस्ट लगा दिए गए हैं ताकि उनकी जो आग है वो ठंडी रहे, वो जले नहीं, धू धू कर जिस तरीके से ट्रांसफार्मर जलने लगते हैं और उसके बाद लोगों को घंटों बिजली नहीं मिलती है, इसकी व्यवस्था करी गई है। लेकिन अभी भी जो फॉल्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी घरों में एसी का प्रयोग हो रहा है जिसके कारण लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, और लोड जब बढ़ जाता है तो फिर ट्रांसफार्मरों में आग लग जाती है जिसके कारण लोगों को घंटों बिजली नहीं मिल पा रही है। हालांकि कैस्को एमडी ने ये दावा भी किया है कि जब उनके पास सूचना मिलती है तो फिर वो तत्काल अपने कर्मचारियों को भेजते हैं, शटडाउन करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ का फॉल्ट जो है ठीक करा।
ठीक है सारिका, वापस लौटेंगे केस्को एमडी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उन तमाम फॉल्ट को ठीक करने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो लो वोल्टेज की समस्या भी एक सबसे बड़ा कारण है। जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, कहने को तो बिजली आ रही है लेकिन इतना वोल्टेज नहीं है कि वो घर का कूलर और फैन तक चला पाए, तो ऐसी भी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। उसको लेकर आगे बात करेंगे। केशवानंद शुक्ला का रुख कर लेते हैं, रायबरेली की स्थिति का थोड़ा सा हाल जानते हैं। रायबरेली में गर्मी का जो स्थिति है, गर्मी की टेम्परेचर की अगर बात की जाए केशवानंद, और साथ ही बिजली कटौती, कितनी खपत, कितनी आपूर्ति, यहाँ पर यहाँ की जनता का क्या हाल? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में भीषण गर्मी देखने को मिली, 47 डिग्री लगातार जो पारा है वो होता जा रहा है, जिसके चलते लोग काफी यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो लगातार रायबरेली में जिस प्रकार ट्रिपिंग हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, उससे जो आम जनमानस है वो भी काफी परेशान है। साथ ही साथ जो व्यापारी है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भीषण गर्मी में इन दिनों जो लोग हैं वो अपने घरों से नहीं निकल रहे, शाम को ही वो मार्केट भी पहुंचते हैं, जिसके चलते बिजली कटौती हो रही है, जिससे जो जो व्यापारी हैं उनको भी काफी दिक्कतें हो रही है। रायबरेली में अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो रायबरेली जो पावर हाउस है उन पावर हाउस में बाकायदा ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगाया गया है, ताकि जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उन ट्रांसफार्मरों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं अभी भी रायबरेली में देखने को मिल रही है कि जो ट्रांसफार्मर है वो भी अभी जलते हुए हैं, तार भी, क्योंकि रायबरेली में अधिकतर जो जगह देखा जाए तो जर्जर तार, उनमें लगातार बदलाव का भी कार्य किया जा रहा था। आज रायबरेली में जो व्यापारी हैं उन्होंने भी डीएम को भी एक पत्र ज्ञापन दिया है, ताकि जो रायबरेली में बिजली कटौती है उससे भी लगाम लग सके। हमारे साथ रायबरेली के जो व्यापारी ये भी मौजूद है, इनसे जानने की आखिर उनकी क्या मांगे थी और किस प्रकार के, भाई साहब क्या नाम है आपका? बिजली कटौती को लेकर के आपने ज्ञापन भी दिया, क्या दिक्कतें आ रही है रायबरेली में? 20 मई को मतगणना के बाद रायबरेली में गर्मी भी पड़ रही है और विद्युत कटौती लगातार हो रही है, समस्या बहुत होता क्या है, एक तो गर्मी की वजह से बिल्कुल व्यापार चौपट, कितने घंटे कटौती बाजार के अंदर नहीं, विश्वनंद पूछिएगा निकल भी रहे हैं तो कटौती की वजह से, कितने घंटे की कटौती होती है केशवानंद पूछिएगा, रायबरेली में कितने घंटे बिजली कटौती चल रही है, कितना दिक्कतें होती है? इस समय तो बिजली का पता ही नहीं लगता किस समय आ रही किस समय जा रही। सुबह हम लोग 11 बजे अपनी शॉप खोलते हैं और रात 9 बजे बंद करते हैं, कम से कम 20 से 25 बार लाइट जाती है और आती है, और इससे व्यापार हम लोगों का पूरी तरह चौपट हो चुका है। और हम सरकार से मांग करते हैं, बिजली विभाग से मांग करते हैं, हमारे व्यापारियों की तरफ ध्यान देते हुए बिजली हमें पूरी बराबर की। बिजली कटौती से आप लोगों को गर्मी में कितना दिक्कतें हो रही, क्या समस्याएं आ रही? कटौती से सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है कि ये समझ नहीं आता कि बिजली है या नहीं है, इन्वर्टर बोल जाते हैं, अभी कल रात को ले लीजिए 12 बजे की लाइट गई है, सवेरे 6 बजे लाइट आई है, अधिकारियों को फोन करके जब कहा जाता है कि लाइट नहीं है तो कहते नहीं लाइट चालू है, वो ये मानने को तैयार नहीं है। कागजों पे 24 घंटे लाइट की सप्लाई दी जा रही है उनके हिसाब से, क्योंकि वास्तविकता कुछ और है और उनका हिसाब कुछ और है, वो दिखाने के लिए कहते हैं कि 24 घंटे सप्लाई अभी जा रही है शहर में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइट के बहुत हाहाकार मचा है, इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, अगर ये नहीं सुधरेगा तो हम लोग सड़क पर उतर गए धरना प्रदर्शन करने का। प्रशासन से आप लोगों ने प्रशासन द्वारा आश्वासन लोगों को मिला है कि जो है जो यहाँ के SDO टाउन है उनसे वार्तालाप कराई गई है और उनसे कहा गया है, आदेशित किया गया उनको कि जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं उनको SDO साहब सुने और उनके जो है निवारण का सुधार करें, बिजली विभाग में जो है इस तरह का काम किया गया। तो बिल्कुल देखिए रायबरेली में जो बिजली कटौती वो लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि जो ट्रिपिंग है वो हो रही है, जिसके चलते जो व्यापारी हैं उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। और रायबरेली में आज जो व्यापारी हैं उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, ताकि जो बिजली व्यवस्था है वो सुधार हो सके, और अगर सुधार नहीं होता तो व्यापारियों के अगर माने तो उन्होंने कहा अगर बिजली व्यवस्थाएं सुधार नहीं होती तो सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बीते दिन में देखा गया कि लखनऊ भी जो लोग थे स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन। बिल्कुल केशवानंद, ये बात तो साफ नजर आ रही है कि व्यापार पे भी असर देखने को मिल रहा है, गर्मी ने इस कदर बेहाल कर दिया है कि बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है, और जिस वक्त ऐसे में जरूरत है तो वो जरूरत फिलहाल पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसका देखा जाए व्यापार में भी असर देखने को मिल रहा है। और इसी बात की नाराजगी है कि अब व्यापारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है।
और मुरादाबाद मेरठ बलिया का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो पारा है वो हाई है, यानी कि भीषण गर्मी का कहर प्रकोप और इसके बीच बिजली कटौती। रुक कर लेते हैं मोहम्मद नजर का, संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। मोहम्मद नजर, यहाँ पर लगभग कितनी आपूर्ति हो पा रही है और खपत कितनी है, कितने घंटे की कटौती हो रही है? मोहम्मद नजर, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है जी। मोहम्मद नजर आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए मेरठ का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद नजर का रुख करते हैं क्योंकि तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा, अगर मेरठ का जिक्र, तरफ लोकतंत्र का महापर्व यानी कि आखिरी चरण के मतदान को लेकर तेज नजर आ रहा, दूसरी तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, और ऐसे में इस सियासी गर्मी के बीच डबल डबल है, कटौती चरम पर है और जो जनता है वो बेहाल है। बिल्कुल, देखिए सोनी, जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व का जो चरण है वो बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से जो भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो भी लगातार अपने उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में आज का तापमान 47 डिग्री जो है वो नोट किया गया है। फिलहाल जो भीषण गर्मी है वो जारी है और उससे आम जनता को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ गर्मी तो पड़ी रही है, इसके अलावा जो बिजली कटौती है उससे भी आम जनता को काफी परेशान होना पड़ रहा है, काफी समस्या का सामना भीषण गर्मी की बिजली कटौती की वजह से भी करना पड़ रहा है। दिन में तो ठीक है, दिन में भीषण गर्मी के साथ साथ अगर बिजली कटौती है तो जो आम जनता है वो काट लेती है, लेकिन जब रात के समय जब आम जनता का आराम करने का समय होता है, उस दौरान जब बिजली कटौती होती है तो उन्हें सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। यही हाल मेरठ में लगातार जारी है। बड़े बड़े दावे तमाम अधिकारी कर रहे हैं। के न्यूज की टीम ने मेरठ की MD PVNL ईशा भुवन से कल बातचीत की थी और उनसे जाना था कि बिजली कटौती को लेकर वो किस तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है, कैसे आम जनता की जो समस्या है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया था कि इस बार पिछले वर्ष के अनुमान से सबसे अधिक जो मांग है, डिमांड है, वो बिजली कटौती में बिजली की सबसे ज्यादा हुई है। 61% उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार जो बिजली की डिमांड है वो 61% अधिक की जा रही है। 61% बिजली की अधिक मांग होने की वजह से जो बड़ी समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मेरठ में जो ट्रांसफार्मर है पावर हाउस में, उनके पास बाकायदा कूलर लगाए गए हैं ताकि कूलर लगाकर उनको ठंडा रखा जा सके, ताकि जो ट्रांसफार्मर फूकने की जो बड़ी समस्या सामने आ रही है उससे निजात मिल सके। तो मेरठ का जो बिजली विभाग है वो प्रयास कर रहा है कि जो आम जनता को बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन जो भीषण गर्मी है उसका लगातार प्रकोप जारी है और आम जनता को इसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और पता पूछ लेते हैं कि आखिर भीषण गर्मी में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कैसे बिल्कुल उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत कर ले भाई साहब, नाम बता दीजिए सबसे पहले अपना नाम क्या आपका। उमेश जी, क्या समस्या आ रही है? सुरेश जी बताओ, भीषण गर्मी में लाइट भी परेशान कर रही है, कितने झटके दे रही है बिजली? और भाई आम जनता को तो बड़ी समस्या हो रही होगी, हम देख रहे हैं आप भी धूप में खड़े हो। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा। और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। देखिए सोनी, ये स्कूटी चालक है, देखिए किस तरीके से भीषण गर्मी में सामना करना पड़ रहा है। बहुत हो रही है, इसके साथ साथ बिजली की कटौती की बड़ी समस्या है, बहुत कट रही है। बड़े बड़े दावे कर रही थी सरकार की 24 घंटे बिजली देंगे, आम जनता को समस्या नहीं होने देंगे।
लोड ज्यादा हो जाता वोल्टेज की भी समस्या आ रही है। वोल्टेज हमारे इस महीने से ज्यादा हो रही है। बड़े दावे तो सरकार कर रही थी कि बड़े जो बिजली है आपूर्ति पूरी तरीके से की जाएगी, आम जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ज्यादा हो रही है, बड़ी समस्या हो रही होगी आपको। तो देखिए, जो आम जनता थी वो बता रही है सोनी कि किस तरीके से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जो बिजली कटौती है वो लगातार जारी है। भीषण गर्मी में इस तरीके से उन्हें अपने काम को पूरा करना पड़ रहा है। बिल्कुल देखा जाए राजू, ये जमीनी हकीकत है उस वादे की जो वादा किया गया था आम जनता से कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। ये उन दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर है और ये लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं या प्रदर्शन की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं और लगातार प्रदर्शन की चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर बिजली आपूर्ति पूरी नहीं की गई तो सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया जाएगा। किसान भी परेशान, आम इंसान भी परेशान, बेजुबान भी परेशान और देखा जाए तो ये कारोबारी भी फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं जो अपने व्यापार को लेकर सोच रहे हैं कि गर्मी तो भीषण पड़ रही है लेकिन अगर ऐसे में बिजली आपूर्ति होती तो शायद ये मुसीबत थोड़ी सी कम हो सकती थी, ये समस्या थोड़ी सी कम हो सकती थी, जो उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तमाम दिक्कतों को इस बीच आम जनता को फेस करना पड़ रहा है। हमारे बलिया से भी संवाददाता कृष्णकांत पांडे जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत का रुख कर लेते हैं। बलिया में फिलहाल बिजली आपूर्ति कितने घंटे की जा रही है? कृष्णकांत, कितने घंटे की कटौती यहां पर हो रही है? क्या आम जनता यहां की संतुष्ट है? यहाँ के आम जनमानस को इतनी दिक्कतें हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि आज आम जो भी जनताएं हैं यहाँ के जो भी लोग हैं दोपहर के समय निकलने में सबको दोपहर का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश लोग इस गर्मी में बाहर आइए जानते हैं। बिल्कुल, बात करिए कृष्णकांत और जानिए इनका हाल। जी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कितने घंटे बिजली मिल रही है आप लोगों को? मिल रही है 24/7 बिजली मिल रही है। 10-15 मिनट के लिए कट रही है, बाकी 24 घंटे में। 24 घंटे आप क्या करें? गर्मी कितनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा है। बिजली आपको कितनी आपूर्ति मिलती है? कितना घंटे लाइट रहता है आपके यहाँ? 12 घंटा भैया बलिया नहीं बता सकते ना, शाम 24 घंटे बिजली मिल जाता है। दिन में भी आता बिजली रहती है। बलिया का नहीं बता सकते ना, शाम 24 घंटे बिजली की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? इतनी गर्मी है यहाँ पे। तो अभी मैं बैंक में जॉब करता हूँ, बैंक से निकला हूँ बाहर, ऐसा लग रहा है कि मैं आग के कुआं में आ गया, इतना ज्यादा गर्म है। तो अभी बिजली का क्या? अभी आप बिजली का तो ठीक ठाक है, बिजली मिल जाती है। 24 घंटे लाइट मिलते हैं आपको? आपको बता दें कि बलिया में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। आइए जानते हैं किस तरह से गर्मी पड़ रही है बलिया में। गर्मी तो है, गर्मी की ही बात कर रहा है। इलेक्शन का गर्मी किस तरह से पड़ रही है? इतने धूप धूप पड़ रहा है जी। बिजली आपको मिलती है? 24 मिलती है, पहले से बहुत अच्छा मिलता है जी। और कुछ कृष्णकांत? अगर देखा जाए गर्मी चरम पर है, लेकिन गर्मी चरम पर होने के साथ साथ जो अब एक आस आम जनता को नजर आ रही है कि भाई बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं होती हुई नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर खपत हो रही है और जो वजह निकलकर सामने आ रही है या जिम्मेदार जो लोग हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई बिजली कटौती चरम पर है, इसलिए ये दिक्कतें जो है वहीं से सामने आ रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो सभी के सामने है। मोहम्मद नजर भी संवाददाता मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुरादाबाद का जो हाल है वो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर बिजली आपूर्ति हो पा रही है? मोहम्मद नजर, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी।
मैम अगर बता दें मुरादाबाद जो है बिराज के नाम से जाना जाता है, बिराज सिटी के नाम से जाना जाता है और पूरा उत्तर प्रदेश लेकर पूरी दुनिया में नाम है मुरादाबाद में, अगर जाना जाता है पीपल कारी पार्टी के नाम से जाना था। यहाँ पे जो बिजली की ऑर्डर की सबसे ज्यादा अनम्यूट कर लीजिए। जमीन स्त्री बताएंगे क्या भाव क्या जी क्या मामला है अगर बात करिए आप। मैं आपको पहले पूरी जानकारी दे दूं, मेरा नाम आलम खनिया जी है। मैं बिजली की अगर बात करूं क्या है मैं वही बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले भी कहीं मैं मोहम्मद नजर आपकी आवाज क्लियर मिल नहीं पा रही है, आप इन लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करिए। और घरों को सजाते हैं इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री इतनी बदनसीब है लाइट के मामले में कि 8-10 दफा लाइट को भगाना, गरीब आदमी काम नहीं कर सकता, ढलैया काम नहीं कर सकता, ढलैया काम नहीं कर सकता कि इस वक्त जो लाइट की समस्या यहाँ मुरादाबाद के अंदर है आप खुद भी देख लीजिए हमके कि कम से कम 4-5 घंटे लाइट बस इससे ज्यादा लाइट चलिए फिलहाल गर्मी चरम पर है और ये हमारे संवाददाता जो हैं ग्राउंड जीरो से वो जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कानपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, मेरठ, बलिया की ये तस्वीरें हैं जहां के लोग फिलहाल बता रहे हैं और वो वादा भी बखूबी याद आ रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि वादा किया गया था कि 24 घंटे ये बिजली आपूर्ति की जाएगी, तो आखिर वो वादा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ नजर आ रहा है और आम जनता त्राहिमाम करती हुई नजर आ रही है। एक बार मेरठ का रुख कर लेते हैं राजू शर्मा का। राजू शर्मा, क्योंकि ये वादा शायद ही कोई भूला हो कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी, लेकिन ये कब की जाती है? क्योंकि जब ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा खपत होती है और जब लगता है कि हाँ वाकई बिजली होनी चाहिए, और ट्रिपिंग की समस्या आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, जो जनता है इसी बात से परेशान है। बिल्कुल, देखिए सोनी, बड़े बड़े दावे जो है वो चुनाव के दौरान आम जनता से किए गए थे, चाहे बिजली आपूर्ति की बात हो, महंगाई की बात हो या भीषण गर्मी से राहत दिलाने की बात हो, बड़े बड़े दावे सरकार ने किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हकीकत है जमीनी हकीकत वो साफ दिखाई दे रही है कि बिजली आपूर्ति किस तरीके से की जा रही है और कितने झटके दिन में बिजली के लग रहे हैं। आम जनता काफी परेशान है, दिन में तो बिजली की समस्या का सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रात में भी बिजली के जो झटके हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। पूरी रात आम जनता को, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं है, उन्हें मजबूरन जगकर अपनी रात काटनी पड़ रही है पंखे के सहारे। आज के पंखे पहले हुआ करते थे वो तो उनसे जो है थोड़ी राहत मिल जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला ऐसे वो पंखे भी खत्म होते हुए चले गए और पंखे और कूलर पर जो है स्थिति आ गई, लेकिन जब बिजली ही नहीं आएगी तो कैसे कूलर चलेगा और कैसे जो पंखे है वो चल पाएंगे और कैसे आम जनता को राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है भीषण गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती से परेशान होती हुई नजर आ रही है और सरकार जो है आम जो अधिकारी है वो बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। एमडी पीवीएनएल ने भी कल बड़े दावे किए हैं कि जल्द से जल्द जो भी बिजली कटौती में समस्या आ रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, की समस्या का समाधान करना भी हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन कितनी प्राथमिकता जमीनी हकीकत पर नजर आ रही है। देखिए न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि आम जनता किस तरीके से परेशान होती हुई नजर आ रही है, भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में राहत दिलाने की जो जिम्मेदारी जिन कंधों पर है तमाम अधिकारियों पर, वो अपने कमरों से, ऑफिसों से, एसीओ से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, जबकि उन्हें धरातल पर आकर देखा जाए तो बहुत सारी निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी और बिजली कटौती को लेकर के न्यूज जो है चर्चा कर रहा है और लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहा है कि जनता किस तरीके से बेहाल परेशान नजर आ रही है। और सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बेजुबान भी इस भीषण गर्मी से त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन इंसानों के पास ये ऑप्शन है कि भाई ठीक है, गर्मी चरम पर है तो अगर बिजली आती है तो फिर उससे कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन फिलहाल ट्रिपिंग की समस्या से आम जनता इतनी बेहाल है, खपत कितनी है इसका भी आकलन किया जा चुका है। बावजूद इसके आखिर क्या वजह है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है? केशवानंद शुक्ला भी रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णकांत पांडे भी जुड़े हुए हैं। केशवानंद का वापस से रुख करेंगे। केशवानंद, अगर देखा जाए वो तमाम बड़े बड़े वादे किए गए, बिजली आपूर्ति करने के लिए तमाम नए जो स्रोत हैं वो भी बनाए गए, जिनका डंके की चोट पे सत्ता पक्ष दावा करता है। आपने देखा होगा उन तमाम मंचों से कि भाई पहले की स्थिति कैसी थी, पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, प्रेजेंट टाइम की स्थिति कितनी बेहतर है, ये आकलन सत्ता पक्ष हमेशा करता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार बड़े ही बड़े वादे कर रही है कि जो है प्रदेश में जो लाइट की जो समस्या है वो नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रकार देखा जा रहा है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, गर्मी से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। वही रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली जो शहरी क्षेत्र है वहां पे तक जो 24 घंटे में 25 से 30 बार जो है ट्रिपिंग हो रही है, जिसके चलते न सिर्फ जो आम जनमानस है, व्यापारी वर्ग वो भी लगातार उसको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, व्यापार में भी काफी असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो लोगों का है उनको काफी दिक्कतें हो रही है। लगातार रायबरेली में जिस प्रकार ट्रिपिंग हो रही है, बिजली की जो समस्याएं हो रही है, उन समस्याओं से लोग बेहाल है, परेशान है। और दूसरी ओर देखा जा रहा है कि जो प्रचंड गर्मी है, गर्मी का भी काफी असर देखने को मिल रहा है। इन दिनों रायबरेली में अगर बात की जाए तो हर घरों में जिस प्रकार एसी है, पंखे, कूलर का इस्तेमाल किया जाता है तो काफी लोड पड़ रहा है। लोड के चलते देखा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो जल जा रहे हैं, वही जो जर्जर तार है वो भी टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों रायबरेली में रिपेयरिंग का कार्य किया गया था, जो भी मोहल्ले थे, जो इलाके थे, वहां पे जो जर्जर तार है उनको बदलने का काम किया गया, खंभे भी लगाने का काम किया गया, ताकि सभी को बिजली की जो सुविधा है वो मिल सके, हर गली में बाकायदा व्यवस्थाएं की गई। लेकिन अब गर्मी की शुरुआत हुई, इस गर्मी की शुरुआत में ही जो बिजली कटौती वो हो रही, जिसके चलते जो आम जनमानस है वो काफी परेशान है, बेहाल है, साथ ही साथ जो बेजुबान है, बेजुबानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं केशवानंद, हर कोई फिलहाल इस वक्त परेशान है भीषण गर्मी और बिजली कटौती से। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे भी जुड़े हुए हैं और कानपुर से सरिका गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं। कृष्णकांत का रुख कर लेते हैं। कृष्णकांत, अगर देखा जाए ये कहा जा रहा है जहां पर चोरी ज़्यादा हो रही है, ये बिल्कुल सही है कि बिजली की चोरी होती है बड़े पैमाने पर, लेकिन क्या ये एक वजह काफ़ी है कि बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है? जी, बिजली अघोषित जो यहाँ बिजली कटौती हो रही है, यहाँ पे देखा जाए कि बिश्नीपुर के पास 24 घंटे से अभी वहां ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया, जो कि बीचों बीच शहर में जाना जाता है। आइए हम जानते हैं कि बिजली घोषित बिजली कटौती को लेकर आम जनता का क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? बिजली कटौती को लेकर क्या कर रहे हैं? 24 घंटे आपको बिजली मिलती है जी? इस गर्मी में आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? 24 घंटा नहीं, 15-16 घंटा। आपका नाम? बिजली आपको 24 घंटे मिलती है? 24 घंटा 20 घंटा मिलता हो जी, कटौती हमेशा आधा घंटा रात में। चलिए ठीक है कृष्णकांत, फिलहाल अपनी अपनी जो आम जनता की प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली फिलहाल नहीं मिल पा रही है, नहीं आपूर्ति हो पा रही है, ये जग जाहिर है। और इसी को लेकर, इसी किल्लत को लेकर, कटौती को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। कानपुर का रुख कर लेते हैं। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं कानपुर से। सारिका, आपने बताया कि करीब 750 MV की खपत है, इस बात का आकलन किया जा चुका है, लेकिन लगातार ट्रिपिंग की समस्या सामने आ रही है, ऐसी बिजली होने का क्या फायदा? बिल्कुल, अगर तो यहाँ पर जो बिजली सुधार की दिशा में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कैस्को के जो अधिकारी हैं, कैस्को के जो जिम्मेदार हैं, वो डेली
मीडिया से और आम जनता के बीच में जाकर उनसे संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं। हालांकि जिस तरीके से लोड बढ़ रहा है उसी तरीके से जो चोरी के मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जब कहीं पर लोड बढ़ता है, चोरियां होती हैं, उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर में लोड पड़ता है और लोड पड़ने के कारण ब्लास्ट होता है और कहीं ना कहीं इस गर्मी में ट्रांसफार्मरों में आग लग जाती है। हालांकि अभी ट्रांसफार्मरों को आग से रोकने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं ताकि उनको ठंडक पहुंचाई जा सके, लेकिन कानपुर कैस्को जो है अभी शटडाउन उन्होंने पूरी तरीके 4 तारीख तक के लिए बंद कर दिया है कि कहीं पर भी कैस्को द्वारा शटडाउन नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर फॉल्ट होता है तो वहां पर भी उनका प्रयास रहता है कि 2 से 3 घंटे में उस फॉल्ट को सुधार दिया जाए और लोगों को बिजली मुहैया कराई जाए, लेकिन जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनकी जो कमी है वो देखने को मिली है। कमी के चलते जो है कर्मचारी जो है सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही जल्दी काम कर पा रहे हैं और इतनी गर्मी हो रही है, फिर इस गर्मी से हर बेजुबान हो, चाहे इंसान हो और चाहे वो कैस्को में काम करने वाला कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं। और इतनी भीषण गर्मी में किसी पोल पर चढ़ना और वहां पर तार ठीक करना ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इन सारे मुद्दों को लेकर कैस्को लगातार प्रयास कर रहा है और लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि प्रॉपर जिस तरीके से कहा जा रहा था, कैस्को एमडी ने दावा किया था कि कानपुर शहर में 23.5 घंटे बिजली जो है वो लोगों को मिल रही है। हालांकि बिजली मिल रही है लेकिन लोगों को वो लो वोल्टेज की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। कटिया इतनी ज्यादा होने लगी है क्योंकि कानपुर कटियाबाजी के लिए ही जाना जाता था और कहीं ना कहीं कैस्को इस कटियाबाजी को रोकने में भी नाकाम रहा है और एक बार फिर इस भीषण गर्मी में कटिया लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि लोग अपने एसी, फ्रिज और पंखों को चलाने के लिए लगातार बिजली चोरी कर रहे हैं, कटिया से बिजली चला रहे हैं जिसके कारण लोड बिल्कुल बढ़ जाता है। सारिका, देखा जाए इंटरनल खामियां बहुत सारी नजर आई हैं, वजह भी सामने आई है और शायद वो वजह है जो है वो ऊर्जा मंत्री तक भी पहुंचाने की कोशिशें लगातार की गई हैं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और ये तमाम ज़मीनी हकीकत पर बात करने के लिए और लोगों की प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए। सारिका आपका भी, केशवानंद आपका भी और मोहम्मद नज़र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजू शर्मा आपका भी और कृष्णकांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है कि शायद हो सकता है इन तमाम खामियों के बावजूद, क्योंकि वो तमाम खामियां यहां पर हैं, सिर्फ महज एक वजह काफ़ी नहीं है कि बिजली चोरी हो रही है, इस वजह से बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये आकलन भी किया जा चुका है कि इतनी खपत है और इतनी खपत के आधार पर इतनी आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी किसकी, ऊर्जा मंत्री तक ये बात अवगत कराई जा चुकी है, बावजूद इसके फिलहाल देखा जाए तो इस समस्या का समाधान होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।